कल फिर सुनवाई। कोर्ट ने पूछा क्या किसी अफसर पर कार्रवाई की जिस भूमाफियाओं ने लोगों को धोखे में रख कर जमीन बेची, उस पर भी केस लोगों से झूठे वायदे करके अवैध रूप से जमीन बेचने के आरोप में निराला। गृह निर्माण समिति के सत्येंद्र राय और उसके बेटे तथा सत्यनारायण सिंह और उसके बेटे सुनील कुमार सिंह पर केस दर्ज किया गया है। महिलाओं ने सबसे पहले रास्ता रोक दिया। कर्पूरी भवन से जाने वाले 90 फीट रोड को पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व में जाम कर रखा था। मजिस्ट्रेट के आदेश पर महिला पुलिस ने लाठी चार्ज करके रास्ता खाली कराया। पिछले दो दिनों में दर्ज 4 FIR में पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव समेत 35 लोगों को नामजद किया गया है। 550 अज्ञात पर भी केस दर्ज किया गया है। इन अज्ञात में कईयों का फोटो व फुटेज पुलिस व प्रशासन को मिल गया है, जिसके आधार पर पुलिस उपद्रव करने वालों की पहचान कर रही है। 1024 में से 50 एकड़ पर ही प्रशासन काबिज। राजीव नगर के कुल 1024 एकड़ जमीन विवादित है। इसे आसियाना दीघा रोड के पूरब और पश्चिम दो भागों में बांटा गया है। पूरब की जमीन करीब 624 एकड़ और पश्चिम की जमीन 400 एकड़ है। इन 400 एकड़ में से 50 एकड़ प्रशासन ने कब्जा जमाया है। 100 एकड़ पर कब्जे की तैयारी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीच में ही रोक लगा दिया। घर पर बुलडोजर, सड़क पर बिलखती रही पूर्व विधायक व उनका परिवार। 100 घर इसलिए टूटे क्योंकि रविवार को कोर्ट बंद था और सोमवार को अपील सुनवाई। फैसला आते आते शाम 4:30 बज गए। काश हमारे घर की बारी कोर्ट स्टे के बाद आती। कोर्ट नहीं रोकता तो दोगुने मकान और टूटते। 3 मंजिला आसियाने पर बुलडोजर चलते देख परिवार निढाल हो गया। मां पूर्व विधायक छोटे बेटे को गले लगाकर संभालती रही, बड़ा बेटा लड़खड़ाकर सड़क पर ही बैठ गया। CRPF अफसर राजकुमार की बेटी प्रियंका लखनऊ के डायमंड कंपनी में काम करती है। प्रशासन की कार्रवाई खबर मिलते ही पटना पहुंची। माँ बेटी ने रोते रोते घर से सारा सामान खुद ही बाहर निकाला। पटना हाईकोर्ट ने राजीव नगर के नेपाली नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने वहां रह रहे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही DM और हाउसिंग बोर्ड के MD को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ ने पूछा कि जब लोग मकान बना रहे थे तो बोर्ड के अधिकारी कहाँ थे? क्या बोर्ड ने किसी अधिकारी को चिन्हित कर कोई कार्रवाई की? नव निर्मित था जी। कितना पैसा उन लोगों को चला गया? ऐसा नॉर्मल होते हैं, ज्यादा भंगी आदमी भी नहीं होगा। किसी को बोलते हैं गलत चीज करोगे, इतना ठोस करोगे एक दिन टूट ही जाएगा। अरे अभी भी चाहे दोनों मना कर सकता है। हाँ, अब ऐसा नहीं होगा। ये वाला भी तो पूरा नहीं हो रहा है। चलो बढ़िया सर।
भाई ना बहन की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा लेता है। वो सब भाग गया, भाई वो रुका हुआ था। रुकने का बात सोफा भी है।